इंडिया को सबक सिखाने का एक ही तरीका, कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। स्वागत है गाइज आपका एक और नए वीडियो में। तो गाइज फाइनली कितने सालों बाद, तीन साल बाद गाइज आज हम जो आए हैं सिनेमा घर में कश्मीरी फाइल्स मूवी देखने आए हैं। काफ़ी मतलब कि बोल रहे हैं कि देखो, तो हमने सोचा चलो देखते हैं क्या है इसमें। एक्चुअली मैं सुना तो आज जो कश्मीर में जो हुआ था, लेकिन अभी जो है सामने देखूंगा, कुछ अलग एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं और आदर्श और विवेक भी है साथ में। तो विवेक अभी आएगा, अभी पहले टिकट लेने आए हम लोग। टिकट लेके फिर कितने वाला शो है, 12 बजे का शो है। ठीक है, तो अपनी बाइक उधर पार्क कर दी है और चलते हैं अंदर, देखते हैं। दो मूवी लगी है बच्चन पांडे, तो बच्चन पांडे में नहीं देखेंगे, कश्मीर फाइल देखेंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो गाइज देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है तीन साल बाद गाइज आए हैं सिनेमा घर में। चलो ओके गाइज, तो अभी जस्ट हम लोग ये अपना फन मॉल, और यहाँ पे देख सकते हो ये शो लगा है, वेडनेसडे मॉर्निंग 50, वेडनेसडे 70। ये अपना पूरा मॉल है, फन मॉल। ये पूर्णागिरी की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है इधर काफ़ी। विवेक देखो वहाँ पे बैठ गया है कोने। चलें, सो आ गए हम लोग। काफ़ी सन्नाटा लग रहा है यार। लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से अपनों को जाना नहीं है। टिकट हम लोगों ने ले लिया है, 12:40 पे हम लोगों का शो है ना, 12:40 पे लेट हो गया। अभी 9:30 का शो था, बट हम लोग 10 बजे आए, तो हमने सोचा चलो अब 12:40 वाला ले लेते हैं। तो अभी जो है हम लोग घर निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और विवेक उधर बैठा है, और पीछे का व्यू देखो यार कितना तगड़ा आ रहा है। सही है, बढ़िया। हाँ, तो चलते हैं सीधे अब घर के लिए। अब 12:40 यही मतलब हम लोग कितने बजे आ जाएंगे, 12:20 पे आ जाएंगे। हाँ, 12:20 तक के मतलब यहाँ पहुँच जाएंगे, 10 मिनट इधर बैठेंगे थोड़ा, और इसके बाद आप लोगों को मूवी का रिव्यू देते हैं। वैसे आप लोग तो देख ही चुके होंगे, लेकिन ये है कि मैं भी अपने कुछ बताऊँगा आप लोगों के साथ में जुड़ के। ये हमारे भैया हैं, गार्ड भैया हैं। हैप्पी होली। सेम टू यू। बहुत बढ़िया इंसान है। अरे इंसान हो, बेकार है। अरे बेकार, डेंजर आदमी, डेंजर आदमी। ये तो कॉमेडी हो गई, डेंजर आदमी भाई। नहीं मतलब अब हम ये वीडियो जैसे बन रही है, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे अपने वीडियो में बहुत बेकार इंसान है। बिल्कुल करेक्ट है, नहीं सर। तो चलिए गाइस चलते हैं हम घर, और आते हैं हम लोग सीधे 12:40 पे। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, और जस्ट टाइम हो चुका है हम लोगों का, 1 बज गया, और काफ़ी भीड़ हो गई धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ये लखीनेपुर है ना? हाँ भैया, लखीनेपुर है ये। सो चलते हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लखीमपुर वैसा देखने को नहीं मिलता है जी, बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तभी मैंने सोचा कंफर्म कर लूँ ये लखीमपुर है कि नहीं। लखनऊ तो नहीं आ गया, लखनऊ तो नहीं आ गया। लखको नहीं, लखको लखको। रेलवे स्टेशन नहीं है, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा यहाँ पे। कर रहे हैं मूवी का, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आए हैं तो अभी तो गर्मी लग रहा है, क्योंकि मॉल वाले बिल्कुल कंजूसी कर रहे हैं भाई। ऊपर दिखा दूँगा भी, लाइट नहीं चल रही भाई। रिव्यू में एकदम सूखा सूखा दूंगा, आप लोग हजम करिए। चाचा हम लोग के साथ फर्स्ट टाइम आए हैं, बड़े बड़े स्टार लोग आए हैं, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। अभी वहाँ पे हम लोग जो है थंबनेल शूट करवाएंगे, थंबनेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। सही सही है नहीं? अब जस्ट 10 मिनट और रह गए होंगे, है ना? अगर आपको बॉडी मसाज करवाना तो ये सीन रखा है, 100 रुपीज। इंडिया को सबक सिखाने का एक ही तरीका, कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद।
सो गाइज अभी जो है इंटरवल हो चुका है और मूवी देख के गाइज बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहें। और विवेक कैसे इंटरवल तक आपको मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी है। अब इसके बाद जो स्टोरी होगी वो काफ़ी अच्छी है। और गाइज मैं ये रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि ये मूवी देखो फिर बच्चन पांडे देखो। बच्चन पांडे ना देखो तो चलेगा, ना देख सकते हो लेकिन ये जरूर देखो, लेकिन ये जरूर देखो। हाँ बहुत ही मतलब क्या बताए भाई, मेरे पास शब्द नहीं है। अभी सब लोग चारों लोग बैठे हैं, अभी इंटरवल हो चुका है, आधा सब खाली हो चुका है। चले विवेक ए, चले सिनेमैटिक रहने दे यार, चलो चले आओ अंदर। तो गाइस अभी हम लोग बस बाहर आए थे जरा थोड़ा घूमने के लिए, अब अंदर चलते हैं क्योंकि हम लोगों से बिल्कुल वेट नहीं किया जा रहा है। अभी ऐड आ रहा है सीढ़ियों पे, ये जो लाइट्स लगी हैं ये सब क्या सुनना पड़ रहा है। अच्छा मैं अंधा हूँ। सो चलते हैं गाइस। चाचा लक्ष्मण जी से उधर बैठे वो बुला के आज तीन लोग हैं वो इधर हैं। ये ऐड आ रहा अभी, और ऐड आप लोगों को दिखाना मैं जरूरी नहीं समझूंगा। दर्श तुमको एक बिजनेस का आइडिया दें? बिल्कुल दीजिए। यहाँ पे बेचने लोगों को चाय पाए। जब हमने उन्हें अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल दिया और ये सारी रियल जेनोसाइड, ये सब झूठ है। देयर वाज नो रियल जेनोसाइड, वी डोंट वांट योर फेक प्रोपेगेंडा। लिसन कृष्णा, जो तुमने देखा वो बताओ, ज्ञान मत पेलो। जो हमने पढ़ा नहीं वो हिस्ट्री नहीं, जो हमने देखा नहीं वो हुआ नहीं, तो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ ही नहीं। और कोई सच बोले तो ज्ञान मत पेलो। पंडित रहेंगे बाकी सब पीछे रहेंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये इंडियन आर्मी के लोग नहीं है ये। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये फन मॉल में गाइज इतनी भीड़ मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत ही ज़्यादा हर शो गाइज फुल जा रहा है, बिल्कुल मतलब जगह नहीं है अंदर, कितनी भीड़ है गाइज। अब बस अभी एक हम लोग देख के निकले हैं, आप लोग बस गाइज सब निकल ही रहे हैं धीरे धीरे। और विवेक तो हर जगह भाई अपना अलग ही लेवल है यार, मतलब जब शो छूटा तो बिल्कुल ऐसे हॉल में बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया था। एंडिंग बहुत मतलब बता नहीं सकता गाइज आप लोगों को, मतलब कोई भी किसी के चेहरे पे स्माइल नहीं था, सब बिल्कुल सबका चेहरा उतरा हुआ था बिल्कुल। कैसी लगी? काफ़ी दर्द से भरी है ये मूवी, आप लोग जरूर एक बार विजिट करें। चाहिए एक बार गाइज देखो, सारे काम ना बच्चन फाड़ने छोड़े लेकिन ये मूवी जरूर, ये मूवी जरूर। तो चलो गाइज अब नीचे चलते हैं, बाकी मैं ज़्यादा सब कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि आप लोग आइए और मूवी को देखिए गाइस, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा ठीक है। सारे काम धाम छोड़ो, पहले मूवी को देखो। क्यों भाई और क्या। चलो गाइस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।